हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, स्टैंडर्ड 12th फिजिक्स। लाइट बेसिकली बनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से, जो इस तरह से स्पेस में प्रोपोगेट करते हैं। लाइट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर्स होते हैं, वो हर एक डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, और वैसे लाइट को अनपोलराइज लाइट कहेंगे। अगर हम लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को कुछ इस तरह से अरेंज कर पाए, या फिर लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल में आ जाए और सेम प्लेन में आ जाए, तो इस लाइट को पोलराइज लाइट कहेंगे, और इस पूरी प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। अब ये पोलराइजेशन किसी पोलराइजर से किया जाता है, और बहुत सारे पोलराइजर यूज़ होते हैं। उसमें से एक पोलराइजर जो हम डेली यूज़ करते हैं, वो है हमारे पोलरॉइड ग्लासेस, मतलब कि सन ग्लासेस। तो यहाँ पे एक लाइट का मैं स्पॉट बना रहा हूँ। ये लाइट का स्पॉट आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंटेंस है, और ये जब लाइट का स्पॉट कोई सनग्लासेस पे स्ट्राइक करेगा, तो आप देखेंगे कि इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो चुकी है। अगर मैं सनग्लासेस हटा दूँ, तो आप देखेंगे कि इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, और वापस आप देखो तो इंटेंसिटी कम हो चुकी है। तो ये इंटेंसिटी रिड्यूस कैसे होती है, और सनग्लासेस में लाइट के साथ ऐसा तो क्या होता है, तो समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक लाइट का बीम बनाया है, जिसके अंदर सिर्फ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स को दिखाया है। ये एक पोलराइजर है, जैसे कि हमारा सनग्लासेस। उस सनग्लासेस में एक तरह का एक ऑप्टिकल विंडो होता है, जिसको एक ऑप्टिक एक्सिस कहते हैं। ये ऑप्टिकल विंडो करता क्या है बेसिकली, तो जब लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक होती है, तो लाइट के जो वेक्टर्स होंगे, जो ये विंडो के पैरेलल में होंगे, वो इस विंडो में से या तो फिर ऑप्टिक एक्सिस में से पास हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला वेक्टर है जो पास हो चुका है, लेकिन दूसरा जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे पास नहीं हो पा रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से एलिमिनेट कर सकते तो वापस अगर आप यहाँ पे देखें, तो दूसरा वेक्टर भी यहाँ से पास हो गया है, और जो दूसरा परपेंडिकुलर वेक्टर है वो यहाँ पे रुक गया है, तो इसको भी हम यहाँ से एलिमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें, तो ये पूरी लाइट यहाँ से जब पास हो चुकी है, तो जो आउटपुट में हमें लाइट मिली, वो आउटपुट में जो लाइट मिली, आप उसमें देख सकते हैं कि जो सभी वेक्टर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो सभी वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल में हैं और सेम प्लेन में हैं। तो इनिशियली यहाँ पे कुछ 5 वेक्टर्स थे। अब ये पोलराइजर में से निकलने के बाद जो परपेंडिकुलर वेक्टर एलिमिनेट हो गए, तो अभी यहाँ पे 3 हो चुके हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि लाइट की जो इंटेंसिटी जो पहले 5 वेक्टर से बनती थी, अभी सिर्फ 3 की हो गई है। तो इस तरह से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, और उसी तरह से इसके जो सारे वैक्टर जो हमें आउटपुट में मिले, वो सभी वही मिले जो इस ऑप्टिक एक्सिस, मतलब एक तरह का एक विंडो जिसके पैरेलल में थे। तो इस पूरी प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहेंगे, और इस तरह से लाइट का पोलराइजेशन होता है। थैंक यू।